नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग वॉल्केनो और रॉक्स और मिनरल्स के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे मैंने लेक्चर लिया था, तो उसको पहले पहले देखिए, तब अच्छा अच्छा रहेगा। तो इसमें हम लोग रॉक्स, मिनरल्स और वॉल्केनोज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग वॉल्केनोज के बारे में देखते हैं। वॉल्केनो जो है वो मैग्मा से, इसका सोर्स मैग्मा में है, जिसको एसिनोस्फीयर भी बोलते हैं। एसिनोस्फीयर जो है वो मैग्मा का पोर्शन है। वहाँ से मैग्मा राइज होता है, मैग्मा निकलता है, और इस तरह से ये जो क्रेटर है, जो ओपनिंग है, तो यहाँ से मैटर बाहर निकलता है इस तरह से। तो जब बाहर आता है तब उसको लावा बोलते हैं, और अगर सरफेस के नीचे है तब उसको मैग्मा बोलते हैं। तो मैग्मा जो मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन। फिर लावा लावा जब बोलते हैं, वंस इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द क्रस्ट और इट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस से पहुंच जाता है, या क्रस्ट में उसको मैग्मा बोलते हैं, लावा बोलते हैं। जो मटेरियल जो बाहर निकलता है, तो वो लावा लावा है, लावा निकलता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है। पायरोक्लास्टिक मतलब रॉक के टूटे पार्ट्स होते हैं, रॉक फ्रैगमेंट्स होता है। फिर वॉल्केनिक बम होता है, एश एंड डस्ट होता है, गैस सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड्स होता है, सल्फर कंपाउंड होता है, माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन भी होता है, हाइड्रोजन और आर्गन भी होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वॉल्केनो के क्लासिफिकेशन में, बोल को देखते हैं। वॉल्केनो उसका जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है, वो नेचर ऑफ इरप्शन है, और फॉर्म जो है डेवलप होते हैं सरफेस पे। तो इसमें शील्ड वॉल्केनो है, शील्ड वॉल्केनो आती है। फिर उसके बाद कंपोजिट वॉल्केनो, फिर कालडेरा, फिर फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, फिर मिड ओशियनिक रिज वॉल्केनोस। ये है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये शील्ड वॉल्केनो, ये यहाँ पे सिंडर कोन, ये कंपोजिट कोन, ये सब दिखाया गया है। तो इसमें जो शील्ड कोन है, उसकी जो हाइट होती है वो कम होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। और सिंडर कोन जो होता है, वो इस तरह से इसका टॉप जो है वो फ्लैट होता है। तो ये जो जो ये शील्ड वाल कहने, वो एक शील्ड की तरह दिखती है, तब तो उसको ये शील्ड नाम दिया गया है। फिर उसके बाद कंपोजिट वाल कहने जो है, तो वो उसकी जो हाइट होती है वो थोड़ी बड़ी होती है शील्ड वाल कहने से, और इसकी जो जो ये जो लेंथ होती है वो कम होती है शील्ड वॉल्केनो से। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जो शील्ड वॉल्केनो है, शील्ड वॉल्केनो यहाँ पे दिया गया है। ये इस वजह से एक्चुअल में शील्ड वॉल्केनो देख सकते हैं, जो मोनाकिया है, जो हवाई में है। हवाई हम आप लोग बताना है कि ये कहाँ पड़ता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं आप लोग। फिर इसका सिंडर कोन जो है, ये इसका टॉप ये फ्लैट है। तो ये एक्चुअल में देख सकते हैं माउंट फॉक्स, जो क्वींसलैंड में आता है। आप लोग का क्वींसलैंड कहाँ पे है वो बताना है, किस कंट्री में आता है क्वींसलैंड। फिर ये कंपोजिट वॉल्केनो, जिसकी हाइट थोड़ी बड़ी होती है इस तरह से। तो ये माउंट एथना सिसली इटली में जो है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद कालडेरा, ये इस तरह से होता है, ये कोन टाइप का होता है कालडेरा। तो ये माउंट सेंट हेलेनस,
जो यूएस में है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग देखते हैं शील्ड वॉल्केनो के बारे में थोड़ा डिटेल में। शील्ड वॉल्केनो जो है वो लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनोस ऑफ द अर्थ है। शील्ड वॉल्केनो, उसकी हम लोग ने देखा कि उसकी जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है, तो ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनोस हैं अर्थ पे, जिसका एग्जाम्पल है हवाई वॉल्केनो। ये मोस्टली बेसाल्ट होता है इसमें। ये वॉल्केनो जो होते हैं वो ज़्यादा स्टीप नहीं होते हैं, जो इसमें से मैटर निकलता है तो वो ज़्यादा फ्लूइड होता है, तो इसके चलते जो मैटर होता है वो इस तरह से, वो जो मैटर होता है तो वो फ्लो करता है यहाँ से इस तरह से। तब फिर इसके चलते चलते जो है जो इस जो ये ज़्यादा स्टीप नहीं होता है, और ये बिकम एक्सप्लोसिव इफ़ समहाउ वाटर गेट्स इन टू द वेंट, अदरवाइज ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं। अगर इसमें पानी पहुंच गया इसमें, तब फिर ये एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, और वैसे ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं। तो उसके बाद ये सिंडर कोन बनता है। सिंडर कोन जो जो होता है अपकमिंग लावा जो मूव मूव जो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, फाउंटेन की तरह लावा फ्लो करता है, और ये कोन है एट द टॉप, ये हट जाता है, तो इसके चलते ये सिंडर कोन ये बनता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपोजिट वॉल्केनो के बारे में। कंपोजिट वॉल्केनो, इसमें जो इरप्शन होता है वो कूलर और मोर विस्कस लिक्विड होता है बेसाल्ट से। विस्कस मतलब जो फ्लो नहीं करता है इजली, डज नॉट फ्लो इजली देन बेसाल्ट। तो इसके चलते चलते जो है ये ज़्यादा स्टीप होता है, अलॉन्ग विद लावा लावा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एस जो है वो ग्राउंड ग्राउंड में आते हैं। मटेरियल एक्यूमुलेट कर इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, इसमें लेयर्स होती हैं, तो उसके चलते इसको कंपोजिट वॉल्केनो बोलते हैं। पायरोक्लास्टिक का मीनिंग होता है रॉक के टूटे पार्ट्स। फिर नेक्स्ट हम लोग कालडेरा के बारे में जानते हैं। कालडेरा जो है वो मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ अर्थ वॉल्केनो है। ये सवाल आ सकता है कि मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो कौन सा है, तो कालडेरा है जो मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो है। तो इसमें ये इतना एक्सप्लोसिव रहता है कि वो खुद को ही एक्सप्लोड कर देता है। दे टेंड टू कोलेप्स ऑन ऑन देमसेल्फ रैदर बिल्डिंग एनी टाल स्ट्रक्चर। टाल स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनता है, ये खुद को ही एक्सप्लोड कर देता है, तो इसमें कोन शेप्ड ये इस तरह से बनता है। कोलेप्स डिप्रेशन को कालडेरा बोलते हैं। इसमें एक्सप्लोसिव इंडिकेट करता है कि मैग्मा चैम्बर जो है जो लावा सप्लाई कर रहा है वो ना कि बड़ा है और क्लोज है, पास पास भी है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। जो जो हाईली फ्लूइड लावा जो बाहर आता है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। तब ये एग्जांपल देख सकते हैं डेक्कन फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। तो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कवर्ड है थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ थिक बेसाल्ट लावा। जैसे एग्जांपल है ये डेक्कन ट्रैप फ्रॉम इंडिया, ये इसमें देख सकते हैं डेक्कन डेक्कन ट्रैप इंडिया का। ये इट इज बिलीव दैट इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशन कवर्ड इज मच लार्जर एरिया देन द प्रेजेंट। ये पाया गया है कि ये जो एरिया था वो पहले बहुत ज़्यादा था, अब ये कम हो चुका है ये एरिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिड ओशियनिक रिज।
वॉल्केनोस। ये मिड ओशियनिक रिज, ये मेनली ओशियनिक एरिया में पाई जाती है। एग्जाम्पल मिड ओशियनिक रिज है जो अटलांटिक ओशन में भी पाई जाती है, मिड अटलांटिक रिज जिसको बोलते हैं। इसका जो सेंट्रल सेंट्रल पोर्शन होता है वहाँ पे फ्रिक्वेंट इरप्शन होता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन ये है, यहाँ पे इरप्शन होता है, तब फिर ये जो मैटर होता है वो इस तरह से बढ़ता जाता है। तो ये मत ये इस तरह से पोर्शन पोर्शन निकलता है। तो यहाँ पे जो है वो नई नई रॉक्स यहाँ पे पाई जाती है, ओल्डर रॉक्स यहाँ पे पाई जाती है। ये इसमें देख सकते हैं हम लोग, ये यहाँ पे है मिड अटलांटिक रिज, और ये वेरिस पोर्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ईस्ट पैसिफिक राइज यहाँ पे हैं, और ये साउथ साउथ वेस्टर्न इंडियन रिज यहाँ पे है, सेंट्रल इंडियन रिज यहाँ पे है। उसके बाद वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स देखते हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स ये कैसे बनते हैं? लावा लावा जो है वो रिलीज होता है एरप्शन के टाइम पे, फिर वो कूल होता है। जो कूलिंग है वो सरफेस पे भी हो सकती है और क्रस्ट में भी हो सकती है। तो उस पे अगर कूलिंग जो है वो सरफेस पे होती है तो उसको वॉल्केनिक रॉक बनता है, और प्लूटोनिक रॉक अगर क्रस्ट में अगर ठंडा होता है लावा या मैग्मा तब तो वो प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। तो इस तरह से एक नियस रॉक्स बनती हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं। तो ये पहला है बैथोलिथ्स, फिर लैकोलिथ्स, फिर लैपोलिथ, फैकोलिथ और सिल्स, और नेक्स्ट है डाइक्स। बैथोलिथ जो होता है वो बेस पे होता है, ये लार्जर पोर्शन होता है मैग्मा का। बैथोलिथ कवर लार्जर बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल। फिर लैकोलिथ जो होता है वो लोकलाइज सोर्स होता है लावा का, जैसे यहाँ पे ये लोकलाइज सोर्स है ये लावा का, ये लैकोलिथ है। और जो लावा होता है वो ऊपर आता है इस तरह से, और कुछ पोर्शन जो होता है वो साइड में भी चला जाता है। तो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो पाया जाता है वो लैपोलिथ, फैकोलिथ और सिल्स होता है, और डैक्स जो होता है वो सॉलिडिफाई, वो सॉलिड बन, जो लावा है वो ठंडा बनता है, सॉलिड होता है, वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है, तो वो डाइक्स होते हैं। फिर इसके बाद बैथोलिस के बारे में जानते हैं। बैथोलिस जो होता है वो ये बेस पे होता है, ये लार्जर पोर्शन होता है, ये लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट। ये कवर करता है लार्ज एरिया ग्रेनाइटिक नेटिक बॉडी इसका। फिर इसके बाद लैकोलिथ होता है, लैकोलिथ जो है लोकलाइज्ड लोकलाइज सोर्स है मैग्मा का, लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा दैट फाइंड इट्स वे टू द सरफेस। ये लार्ज होता है, डोम शेप्ड होता है, ये कनेक्ट, ये जो बेस होता है जो लार्जर बॉडी जो जो बैथोलिथ है उससे कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे लैकोलिथ देख सकते हैं, तो ये एक पाइप की तरह पाइप से कनेक्टेड रहता है, पाइप लाइक कॉन्डक्ट फ्रॉम द बिलो, तो ये इस तरह से कनेक्टेड रहता है। फिर उसके बाद है लैपोलिथ, फैकोलिथ और सिल्स। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर लावा मूव करता है तब ये बनते हैं लैपोलिथ, फैकोलिथ और सिल्स। लैपोलिथ का जो जो अगर शेप जो है वो कॉनकेव है टू द स्काई बॉडी इस तरह से,
तो ये लैपोलिथ है, ये कॉनकेव शेप्ड है अगर, और फैकोलिथ जो है वो बेस बेस ऑफ सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन बनता है। सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन जो होता है और एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन जो होता है वो यंगेस्ट रॉक ऑकर इन द कोर फोल्ड, ये डाउनवर्ड फोल्ड होता है तब उसको सिंक्लाइन बोलते हैं, जो अपवर्ड फोल्ड फोल्ड होता है तो उसको एंटीक्लाइन बोलते हैं। फिर इसका सिल्स जो जो होता है वो नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज बॉडी होता है, उसको शीट अगर हॉरिजॉन्टल बॉडी है तो उसको सिल्स बोलते हैं, और अगर थिन है तो उसको शीट बोलते हैं। पिक्चर में आप लोग को अच्छे से पता लग पाएगा। ये यहाँ पे सिंक्लाइन है और ये एंटीक्लाइन है। एंटीक्लाइन, ये एंटीक्लाइन जो अपवर्ड अपवर्ड फोल्ट है और सिंक्लाइन है ये डाउनवर्ड फोल्ट है, तो ये फैकोलिथ ये यहाँ पे बनता है सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन पे। और जो फैकोलिथ, उसके बाद ये सिल्स है, सिल्स जो है वो नियर हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये सिल्स हैं। और जो डाइक है वो परपेंडिकुलर है ग्राउंड के, ये इस तरह से ये डाइक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये डाइक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है ग्राउंड के, तो ये एक्सपोज हो गई है ये सरफेस पे, डायरेक्ट एक्सपोज टू द सरफेस बाय डिनुडेशन एजेंट। इसमें लावा मेक्स वे थ्रू द क्रैक एंड फिसर डेवलप्ड इन द लैंड। इसमें सॉलिडिफाई परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, यहाँ पे परपेंडिकुलर ग्राउंड के ये सॉलिडिफाई कर गई है जो लावा है, और गेट्स कूल्ड इन द सेम पोजिशन टू डेवलप ए वॉल लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये मोस्ट कॉमनली ये पाई जाती है वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में, वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में ये मेनली पाई जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। मिनरल जो होता है वो उसमें टू और मोर एलिमेंट्स होते हैं, और समटाइम्स सिंगल एलिमेंट भी पाए जाते हैं, जैसे सल्फर हो गया, सिंगल एलिमेंट वाले मिनरल जैसे सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट हो गया। और रॉक्स किसको बोलते हैं, रॉक्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स को बोलते हैं, नॉट कंपोज ऑफ सिंगल एलिमेंट और मिनरल, ऑफन कंपोज ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। इसमें जो बेसिक सोर्स है ऑल मिनरल्स का, हॉट मैग्मा इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब मैग्मा कूल होता है तब क्रिस्टल ऑफ मिनरल्स अपेयर होते हैं, और सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स फॉर्म होते हैं। तो ये यहाँ पे मिनरल्स का एग्जांपल देख सकते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, माइका। तो इसके बाद रॉक्स का एग्जांपल ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, जेनेसिस हो गया। तो ये ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, फिर ये सेडिमेंट्री रॉक का सैंडस्टोन है, और जेनेसिस जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक का है एग्जांपल। उसके बाद सम मेजर मिनरल क्लासिफिकेशन मिनरल्स देखते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फेल्डस्पर, ओलिवाइन, क्वार्ट्ज, माइका, पायरोक्सिन, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं हम लोग। फेल्डस्पर जो है वो लाइट क्रीम टू सॉल्मन पिंक कलर होता है, जो क्वार्ट्ज होता है वो वाइट और कलरलेस होता है, जो पायरोक्सिन होता है वो ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है। फेल्डस्पर में जो मेजर एलिमेंट है वो सिलिकन और ऑक्सीजन है, और क्वार्ट्ज में सैंड, ग्रेनाइट और सिलिका है,
और पेरोक्सीन में मेजर एलिमेंट कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिकन सिलिका है। और ये फेल्ड्स पर जो है वो उसका यूज पाया जाता है सिरेमिक और ग्लास मेकिंग में। और क्वार्ट्ज जो है वो रेडियो और रडार में उसका यूज पाया जाता है। और जो पायरोक्सिन है वो मेटेराइट्स में पाया जाता है। फेल्डस्पर जो है वो हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो है वो फेल्डस्पर है उसमें। जो पायरोक्सिन है वो 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट के अंदर पायरोक्सिन है। 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है वो पायरोक्सिन है। जो मिनरल पाया जाता है वो पायरोक्सिन है। फिर इसके बाद एम्फीबोल, माइका और ओलिवाइन के बारे में जानते हैं। एम्फीबोल है वो जो ग्रीन और ब्लैक कलर है, उसका कलर ग्रीन और ब्लैक कलर है। और माइका और फिर इसके बाद ओलिवाइन जो है वो ग्रीनिश क्रिस्टल है। एम्फीबोल में जो मेजर एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम है। और माइका में पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और एंड सिलिका। और ओलिवाइन में मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका। एम्फीबोल जो है वो एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में यूज पाया जाता है। और माइका का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। और ओलिवाइन जो है वो ज्वेलरी में इसका यूज है। एम्फीबोल है जो है वो 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। और माइका 7.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो ओलिवाइन है वो मेनली बेसाल्टिक रॉक में पाया जाता है। ऑफन फाउंड इन बेसाल्टिक रॉक्स। अब नेक्स्ट हम लोग टाइप ऑफ रॉक्स देखते हैं। रॉक्स मेनली तीन टाइप के होते हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक्स दो टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव फिर सेडिमेंट्री रॉक मैकेनिकली फॉर्म्ड हो सकते हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और केमिकली फॉर्म्ड। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो थर्मल, डायनेमिक, कॉन्टैक्ट और रीजनल टाइप के होते हैं। प्राइमरी रॉक जो है वो इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। और सेकेंडरी रॉक सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक सेकेंडरी रॉक रॉक हैं। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो बनती है डिपोजिशन ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक। पहले तो इसमें रॉक स्टार्टिंग में होती है, फिर वो टूटती है, फिर वो डिपॉजिट होती है विंड से, वाटर से। फिर उसके बाद ये सीमेंटेशन से, तो ये सेडिमेंट्री रॉक बनती है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक रॉक जो होती है उसका मेटामॉर्फिक मतलब चेंज ऑफ फॉर्म। रॉक जो है वो अंडर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल प्रेशर और टेम्परेचर चेंज पे ये मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। फिर नेक्स्ट हम लोग डिटेल में देखते हैं। हम लोग पहला है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है वो जैसे मैग्मा है वो अगर अंदर अर्थ के अंदर अगर कूल हो जाए तो उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, और अगर बाहर अगर कूल हो तो फिर उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक अगर अंदर हो और एक्सट्रूसिव अगर बाहर कूलिंग हो। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से कूल क्विकली, बाहर जो है वो ठंडी ज़्यादा जल्दी होती है। तो इसके चलते जो जो रॉक्स हैं वो फाइन ग्रेन्ड होते हैं एंड हैज लैक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल इसमें कम पाया जाता है। और जो अंदर कूल होती है, जो मैग्मा अंदर कूल होता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो उसके चलते जो रॉक रॉक है कोस ग्रेन्ड होती है। इसमें इग्नियस रॉक का एग्जांपल देख सकते हैं, एंडेसाइट, बेसाल्ट, डियोराइट, गैबारो, ग्रेनाइट। तो इस तरह से देख सकते हैं हम एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें। इग्निस में इग्निस
लैटिन में फायर बोलते हैं, मीनिंग है इसका ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्रेंस। ये दो टाइप के हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव के अंदर ये प्लूटोनिक और हाइपा बाइसल इग्नियस रॉक। अगर कूलिंग जो है वो डीप इनसाइड द अर्थ हो तब उसको प्लूटोनिक बोलते हैं, और अगर कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन अगर मैग्मा अगर ऊपर आ रहा हो वोल्केनिक एक्टिविटी के टाइम पे तो उसको हाइपा बाइसल इग्नियस रॉक बोलते हैं। फिर इसके बाद एक्सट्रूसिव में ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका प्रेजेंट ये डिवाइडेड होता है। अगर एसिडिक इग्नियस रॉक है तो उसमें मोर सिलिका होगा, और बेसिक है अगर लो सिलिका है प्रेजेंट उसमें रॉक में तब उसको बेसिक इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक जो है ये स्ट्रेस से बनती है, रॉक एक्सपोज होता है इरोजन और डिपोजिशन के लिए, फिर वो जो रॉक होता है वो ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रैगमेंट्स। जो रॉक होता है वो छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट एजेंट्स और डिपॉजिट किया जाता है एक जगह पे। फिर इसके बाद थ्रू सीमेंटेशन और लिथिफिकेशन वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिथिफिकेशन से कौन सी रॉक बनती है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक जो है वो लिथिफिकेशन से बनती है। तो सेडिमेंट्री रॉक में जो है वो फॉसिल पाया जाता है और वो लेयर्स में आती है, ये इस तरह से लेयर उसके अंदर पाई जाती है सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये वेदरिंग इरोजन और डिपोजिशन। वेदरिंग जो है वो एजेंट है, वो विंड रेन और फ्रीजिंग है जो रॉक को तोड़ती है। फिर इरोजन जो होता है वो मूविंग ब्रोकन मटेरियल, जो पहले तो जो रॉक है वो टूटी और फिर उसके बाद ये विंड और वाटर के चलते ये वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंची और ये यहाँ पे डिपॉजिट होते रही। यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिटेड इन न्यू स्पॉट। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक के टाइप्स। इसमें मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, ऑर्गेनिकली और केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक जो है वो एक्सेसिव प्रेशर से बनती है, और ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ये सी प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं, और केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक वेरियस केमिकल रिएक्शन से बनती हैं। मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, क्ले, मड स्टोन, शेल, और ऑर्गेनिकली फॉर्म का कोल, पीट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और केमिकली फॉर्म का जिप्सम और सॉल्ट। अब नेक्स्ट हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में जानते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक मेटामॉर्फिस्म से बनती है, इसमें ऑल्टरेशन ऑफ कंपोजिशन और ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रॉक बाय हीट और प्रेशर और अदर नेचुरल एजेंट। तो इसके अंदर फॉसिल नहीं पाया जाता है और इसमें चेंज ऑफ फॉर्म होता है, रॉक का फॉर्म चेंज होता है हीट और प्रेशर से। इसमें टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक है डायनेमिक, थर्मल, कॉन्टैक्ट और रीजनल। डायनेमिक जो रॉक होती है उसमें प्रेशर एलोन केवल प्रेशर से बनती है। इसमें ये ऑकर्स व्हेन रॉक्स आर मूविंग अलोंग ए फॉल्ट, उसके चलते स्ट्रेस होता है रॉक में, तो वहाँ पे ये डायनेमिक मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। फिर इसके बाद थर्मल थर्मल आती है। थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक में ये हीट के चलते चलते बनती हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हीट।
फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हॉट मैग्मा के चलते ये बनती हैं। फिर इसके बाद रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये इसमें हीट और प्रेशर दोनों के चलते ये बनती हैं। इसमें ट्रिमेंडस हीट और प्रेशर बनता है, ये टेक्टोनिक शेयरिंग के चलते, टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन के चलते हैं। इसमें ये बनती है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के टाइम पे। माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के टाइम पे रॉक डीप इनसाइड द रॉक चली जाती है, अर्थ क्रस्ट के अंदर, डीप इन द अर्थ क्रस्ट। फिर इसके बाद प्रेशर प्रेशर लगता है, प्रेशर रहता है बहुत, प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स रहता है, और हीट के चलते ये फॉर्म चेंज हो जाता है, तो ये इसके चलते ये मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है मार्बल, क्वार्टजाइट जेनेसिस। मार्बल जो है वो लाइमस्टोन से बनता है, क्वार्टजाइट जो है वो सैंडस्टोन से बनता है, और जेनेसिस जो है वो ग्रेनाइट से बनता है। फिर इसके बाद रॉक साइकिल देखते हैं हम लोग। रॉक साइकिल इस तरह से है, ये मैग्मा है स्टार्टिंग में, मैग्मा जब कूल होता है तब फिर ये इग्नियस रॉक बनती है। फिर उसके बाद वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन से ये सेडिमेंट में कन्वर्ट होता है, फिर सेडिमेंट कॉम्पैक्ट होता है, और सीमेंटेशन के चलते ये सेडिमेंट्री रॉक बनती है। फिर इसके बाद हीट और प्रेशर के चलते ये मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, फिर वो फिर से ये मेल्ट होके ये मैग्मा बन जाता है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक वेदरिंग और इरोजन और डिपोजिशन से फिर टूट के ये सेडिमेंट बन जाता है, और ये यहाँ पे इग्नियस रॉक फिर मेल्ट होके ये मैग्मा बन जाती है, और ये इग्नियस रॉक ये हीट और प्रेशर के चलते ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक ये इग्नियस रॉक से भी बन सकती है और सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकती है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी प्री 2001 में आया था। सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। दूसरा है, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कॉन्टेंस फॉसिल्स, सेडिमेंट्री रॉक ऑकर्स इन लेयर। तो इसमें जो इसमें चारों सही हैं। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो अर्थ सरफेस पे होती है बाई हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम मतलब वाटर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इन्वॉल्व वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ये भी सही है। एक सेडिमेंट्री रॉक जो है वो वेदरिंग से बनती है, इसमें रॉक पहले टूटती है फिर वो डिपॉजिट होती है एक जगह पे, तो उसके चलते ये रॉक बनती है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर फॉसिल और लेयर्स होते पाए जाते हैं, तो इसके चलते ये डी इसका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो वॉल्केनस के बारे में इसमें पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि कौन सा सही है। मोल्टन रॉक मटेरियल रिलीज फ्रॉम वॉल्केनोज आर फ्रॉम एसिनोस्फीयर। द रॉक मटेरियल रीचिंग द क्रस्ट एंड द सरफेस इज कॉल्ड मैग्मा। डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज हायर देन द मेंटल। ये इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, इसको पॉज करके यहाँ पे। इसमें मोल्टन रॉक मटेरियल रिलीज फ्रॉम द वॉल्केनोस आर फ्रॉम एसिनोस्फीयर, तो ये सही सही है। रॉक मटेरियल रीचिंग द क्रस्ट एंड द सरफेस इज कॉल्ड मैग्मा। नहीं, मैग्मा नहीं, लावा बोलते हैं उसको। डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज हायर देन द मेंटल। नहीं, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज होती है जैसे हम लोग सेंटर पे जाते हैं, जैसे हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, कि डेंसिटी जो है वो बढ़ती है जैसे हम लोग सेंटर से सरफेस से सेंटर पे जाते हैं। फिर इसका सही जवाब है ओनली वन इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो गया ए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें ये शील्ड वॉल्केनो से ये क्वेश्चन है, दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनोस, दे आर कैरेक्टराइज बाई लो एक्सप्लोसिव सीविटी, हवाई वॉल्केनो आर एग्जाम्पल ऑफ द शील्ड वॉल्केनो। तो इसका भी आप लोग को वीडियो पॉज करके देना है आंसर, दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनो। हाँ ये सही है, ये शील्ड वॉल्केनो इस तरह से होता है, तो वो लार्ज होता है, ज़्यादा स्टीप नहीं होता है, और इसमें लो एक्सप्लोसिविटी होती एक्सप्लोसिव होती है, और अगर लेकिन पानी पहुंच जाए तो फिर ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल हवाई वॉल्केनो है, तो इसका आंसर है डी, 1, 2, 3 आर करेक्ट। तो इसमें देख सकते हैं ये शील्ड वॉल्केनो। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो कहाँ है, ये कोटापैक्सी, किलायू, फुजियामा या वेसुवियस। कोटापैक्सी जो है वो इक्वेडर साउथ अमेरिका में है, और किलायू जो है वो हवाई आइलैंड में है जो यूएसए में है, और फुजियामा फ्यूजी जो है वो जापान में है, और वेसुवियस जो है वो इटली में है। इसका सही जवाब है किलायू, जो हवाई आइलैंड यूएसए में है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है, कौन सा है एक्टिव वॉल्केनो। तो इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है बी, किलायू। फिर ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये बनाया है चैप्टर, और इसका पिछला लेक्चर जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ था, तो वो मैंने ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक 7 से लिया है, फिर एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 से चैप्टर 3 और चैप्टर 5 लिया है, लुसेंट जीके यूज किया इसमें, फिर इसके बाद सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय गोचिंग लियोंग, जो चैप्टर 2 है जिसका उससे मैंने ये लेक्चर बनाया है, ये और प्रीवियस लेक्चर मिला के। प्रीवियस लेक्चर जो है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ था, फिर कुछ करेंट इवेंट लिया है, फिर इंटरनेट की मदद ली है। यहीं पे मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ, होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगा, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो मोशन ऑफ द अर्थ और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे आएगा। थैंक यू।